माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। चूंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कल नीट का एग्जामिनेशन का डेट आने के साथ पैरेलली दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर जेई मेंस का एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गया तो क्या नीट का एग्जाम डेट भी पोस्टपोन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी दूर दूर तक संभावना नहीं है। मतलब नीट 2022 का एग्जाम आपका एकदम शार्पली 17 जुलाई को ही कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप कोई अदर अल्टरनेटिव दिमाग में लाई नहीं, रीजन साफ साफ है। देखो, जेई मेंस का एग्जाम जो है उसका डिले होने का कारण तो पहले से लग रहा था, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड और काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड के साथ उसका क्लैशिंग चल रहा था। लेकिन अब जो स्थिति आई है उसमें अगर आप देखोगे तो जो अप्रैल वाला फेज था जेई मेंस का, उसको जो किया गया जून में, 20 जून से लेकर आप 29 जून के बीच में डेट आपका, और वहीं पे आपका जो है जेई मेंस का फेज टू जो होना है वो 21 जुलाई से आपका 30 जुलाई तक है, और आपका नीट का एग्जामिनेशन 17 जुलाई है। तो नीट एग्जामिनेशन और इसके बीच में 3 डेज का गैप भी मिल रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में नीट एग्जामिनेशन के पोस्टपोनमेंट का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। अब आप इन नेगेटिव बातों पे बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि कल से सबसे ज़्यादा रात में जब से मैं लाइव सेशन आया था और लाइव सेशन छोड़ने के बाद जो है वो मेरे वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के रिगार्डिंग रहा कि सर जेई मेंस का अभी अभी डेट पोस्टपोनमेंट का ये आ गया है मैसेज, तो क्या सर नीट एग्जाम पे इम्पैक्ट होगा? नहीं होगा। नीट एग्जामिनेशन को बहुत सोच समझ के रखा गया। आपने देखा होगा जब नीट का एग्जाम का शेड्यूल एनटीए ने जारी किया, उसके ही थोड़ी देर बाद जो है वो जेई मेंस का शेड्यूल जो है वो रीशेड्यूल जारी किया गया। इसका मतलब है कि एनटीए ने पहले दिमाग में ये चीज बैठा लिया था कि भैया पहले नीट का एग्जामिनेशन इस तारीख को करा के उसके बाद एनटीए ये इनका एग्जाम कराना है। और चूंकि नीट का एग्जामिनेशन वन डे पेपर है, वन डे का एग्जामिनेशन है, ये कोई डिफरेंट फेज में एग्जाम नहीं हो रहा है, तो वन डे एग्जाम होना है, पेपर पेन मोड पे होना है, तो एक दिन आपके लिए रिजर्व 17 तारीख रखा गया है। और जेई मेंस जो है वो आपका ऑनलाइन मोड है, आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड है, तो इस कंडीशन में वहाँ पे तो वेरियस डे आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो वहाँ से इसके डेट में 3 दिन का जो गैप दिया गया वो इसीलिए दिया गया है, और ताकि जेई एडवांस का भी एग्जाम आगे इस टाइम पे कंडक्ट कराया जा सके। तो आपका एग्जामिनेशन टलने वाला नहीं है, इसलिए आप अगला 100 दिन टारगेट बनाइए और उसी 100 दिन को टारगेट बना के जी जान से लग के और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसी में आपका रिजल्ट होना है। ठीक है, तो मैं आपको लेके आऊँगा हर एक तरह का वीडियो आपके साथ, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगा नीट के रिगार्डिंग। आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।